हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग राशि एंड सांची क्रिएशंस। पिछले वीडियो में हमने यूरेनस को देखा था और आज हम नेपच्यून के बारे में डिस्कस करेंगे। ये है नेपच्यून यानी वरुण, द फार्थेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। नेपच्यून भी हमारी अर्थ से बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि 57 अर्थ मिला दो तब जाकर एक नेपच्यून बनेगा। नेपच्यून इज अप्रोक्स 4.5 बिलियन किलोमीटर फार फ्रॉम द सन, यानी 450 करोड़ किलोमीटर दूर। नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम में सबसे लास्ट प्लैनेट है। जैसे हमारी अर्थ को सन के अराउंड चक्कर लगाने में 1 साल लगता है, वैसे ही नेपच्यून को हमारे यहाँ के 165 साल लगते हैं। यानी नेपच्यून का 1 साल पृथ्वी के 165 साल के बराबर है। इट टेक्स 16 आवर्स टू रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, मतलब नेपच्यून का एक दिन 16 घंटे का होता है। As we know, Earth has one moon, but Neptune has 14 moon. वैज्ञानिकों ने नेपच्यून पर भी अब तक एक ही स्पेसक्राफ्ट भेजा है। यहाँ भी टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है। In fact, Neptune is the coldest planet of our solar system. इसलिए यहाँ भी लाइफ पॉसिबल नहीं। हम आपको नेपच्यून के बारे में एक खास बात बताना चाहते हैं। शायद आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि नेपच्यून की खोज कैसे हुई। अगर आप नहीं जानते तो आपको जानकर ये बहुत हैरानी होगी कि नेपच्यून को किस तरीके से खोजा गया। आइए जानते हैं। 1781 में जब यूरेनस की खोज हुई थी, तब ये माना जाने लगा कि यूरेनस ही हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी प्लैनेट है। लेकिन जब यूरेनस की स्टडी की गई, तब एस्ट्रोनॉमर्स ने ये नोटिस किया कि यूरेनस बार बार बाहर की तरफ खींचा चला जाता है। तो एस्ट्रोनॉमर्स को ये शक होने लगा कि कुछ तो है हमारे सोलर सिस्टम में जो यूरेनस से भी आगे है और यूरेनस के मोशन को डिस्टर्ब कर रहा है। कई वैज्ञानिकों ने उसे खोजने की कोशिश की, जैसे गैलीलियो, ली वेरियर और बहुत सारे। लेकिन उस रहस्यमय चीज को खोजना मानो जैसे समुद्र में सुई को ढूंढने जैसा है। पर 1846 में योहान गॉटफ्रिड गैली नाम का एक मैथमेटिशियन आया, जिसने अपनी गणित का इस्तेमाल करके आखिर एक लोकेशन प्रेडिक्ट की, जहां एक नए ग्रह के होने का उसने दावा किया। और जब टेलीस्कोप को उस एग्जैक्ट लोकेशन पर सेट करके देखा गया तो सब लोग तंग रह गए, क्योंकि वहाँ वास्तव में एक विशाल प्लैनेट दिखा जो यूरेनस के भी बाद में है। उसका नाम नेपच्यून रखा गया। इसीलिए नेपच्यून एक मात्र प्लैनेट है जिसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन से खोजा गया था। कितनी कमाल की बात है ये कि सिर्फ बैठे बैठे मैथ्स का इस्तेमाल करके इंसान ने ये तक बता दिया कि हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर भी कुछ है। सोचिए कितनी जबरदस्त है ये मैथमेटिक्स, इंसान की बनाई सबसे अद्भुत चीजों में से एक। हम एक और बात बताना चाहते हैं। देखिए कैसा ये संजोग है, आज ही हमने ये वीडियो रिलीज किया और आज ही के दिन यानी 23 सितंबर 1846 को ही नेपच्यून की खोज हुई थी। अब तक हमने जितने भी प्लैनेट्स के बारे में जाना, आपको इनमें से कौन सा प्लैनेट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा हमें कमेंट करके बताइए। और अब हमारा जो अगला वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाला है, जो बहुत ही जल्द आने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हम जल्दी मिलेंगे। ओके बाय।